हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 9 महीने पहले नेहा संग हुआ था हिमांश का ब्रेकअप। पहली बार अब हिमांश ने तोड़ दी है चुप्पी। सिंगर नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली 9 महीने पहले अलग हो गए हैं। दोनों का ब्रेकअप काफी सुर्खियों में भी रहा। ब्रेकअप के बाद नेहा डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब हिमांश कोहली ने नेहा संग ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ी है। हिमांश कोहली ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, जो होना था वो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूं और उनके अच्छे की कामना करता हूं। बुरे वक्त में भी हम दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करना कम नहीं किया। वो शानदार आर्टिस्ट है और बेहतरीन इंसान है। मेरी बस यही इच्छा है कि जिंदगी में वो जो भी चाहती हो उन्हें मिले, अच्छी सेहत और खुशियाँ उनकी झोली में रहे। बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान जब हिमांश से सवाल पूछा गया क्या वो नेहा के साथ ब्रेकअप के बाद भी काम करना चाहेंगे, तो इस सवाल के जवाब में हिमांश ने कहा, क्यों नहीं, मैं काम करने से क्यों मना करूंगा। अगर अच्छे ऑफर आते हैं तो एक प्रोफेशनल के तौर पर हम दोनों दोबारा साथ काम जरूर करेंगे। हमारा सॉन्ग हमसफर साल 2018 का बड़ा हिट था। लोग अभी भी इसके बारे में अच्छी चीजें बोलते हैं, इसलिए मैं नेहा के साथ काम करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। बता दें कि नेहा और हिमांश ने रियलिटी शो में अपने रिलेशन की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। नेहा ने पब्लिकली अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था और कई बार उन्होंने हिमांश की बेवफाई का भी जिक्र किया था। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेकअप के बाद नेहा डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला था। नेहा ने इंस्टा स्टोरी पर अपने डिप्रेशन के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने लिखा था, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, दुनिया के सभी नेगेटिव लोगों का शुक्रिया। आलम ये था कि एक लाइव शो के दौरान अपने ब्रेकअप को याद करके नेहा रो पड़ी थी और अब ब्रेकअप के 9 महीने बाद हिमांश ने खुलकर बात की है और कहा है कि वो आज भी नेहा की इज्जत करते हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेहा और हिमांश की जोड़ी कैसी लगती थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।